हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, देखती हूँ उन दिन तक क्या शूट कर सकती हूँ। अच्छा ही दिखाऊंगी जो भी बनाऊंगी। और बताएं कैसा चल रहा है, क्या चल रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह सुबह का टाइम हुआ है, अभी हम लोग उठे हैं, बहुत सारा काम करना है और आज एकादशी भी है, मेरा फास्ट है। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक फूलों को भी देखती हूँ सुबह उठ के, और छोटा मोटा काम करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है ना जो नहाने से पहले होता है और फिर नहाने के बाद इच्छा नहीं करती है। देखिए फूलों में भी ना बारिश होती है फिर इतनी जल्दी कीड़ा लग जाता है। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही फूलों में दवाई डाली थी और दवाई डालनी हो गई है। चलिए देखते हैं आज डालते हैं क्या करते हैं। हवा चल रही है बहुत अच्छी, देखिए ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है हमारे वहां भी इस समय, बहुत। जब बारिश के बाद धूप होती है ना उसके बाद जाके फूल खिलते हैं। आज बिल्कुल बेल तो पूरी हो गई है लेकिन फूल नहीं खिले हैं अभी, कुछ लास्ट में जाके कोहरे में जाके खिले हैं शायद, अभी ये भी नहीं खिला है। अभी सुबह सुबह का टाइम ने, और ये मॉर्निंग में बच्चो क्या लेके आ रहे हो? चीनी लेके आ रहे हो? अच्छा भाई कर दो ऐसे, ऐसे कर दो। आ लेके आ रहे हैं, और मौसम तो मस्त हो रहा है, हमारे आगे से धान हो रहे हैं मस्त, बहुत बढ़िया। नीचे के फूलों को भी देख लेती हूँ, कीड़ा लगा है, घास भी जम गई है भैया, ये देखो। तो घास भी निकालनी है, गुड़ाई भी करनी हो गई है, बारिश के बाद ना घास ज्यादा जम जाती है। इसको तुरई खानी आ जाएगी, हमारे यहाँ तुरई भी लगी है। एक ही लगी है क्या? ये लोग ना छोटे छोटे तोड़ देते हैं, उधर साइड को लगी है शायद, यहाँ भी लगी है। अरे निकिता भी बैठी है आज, निकिता ट्यूशन वाले बच्चे चले गए शायद निकिता के। चलिए निकिता के संग मैं भी बैठ जाती हूँ। हेलो निकिता। हेलो, गुड मॉर्निंग। कुछ कहना चाहेंगी हमारे दोस्तों से? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मुझे बताइए कमेंट करके कैसे हैं। हाँ निकिता को बताइए कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं। निकिता आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं चल रहा है। बताइए अपने स्टूडेंट, आज निकिता के स्टूडेंट निकिता को देखकर खुश हो जाएंगे। रोज रोज बोलते हैं दीदी आप नहीं आती हैं। और पता है हमने इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाला ना, वो बच्चे आते पहले पूछते हैं आजकल आप लोग ब्लॉग नहीं डाल रहे, आजकल आप लोग ब्लॉग नहीं डाल रहे। तो बच्चों की वजह से मैंने आज कैमरा हाथ में पकड़ा है, वरना सुबह सुबह इतना काम होता है कि टाइम नहीं मिलता, और फिर थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो ना बनाने की इच्छा भी नहीं करती है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को कुछ तो दिखाया जाए, चाहे 4 मिनट का चाहे 5 मिनट का, इसलिए पकड़ा है। तो निकिता अपने स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बोल दीजिए। क्या कर रहे हैं सब, मुझे बताओ सब कमेंट करके, कौन कौन देख रहा है ब्लॉग को। हाँ निकिता के स्टूडेंट, खासतौर से निकिता को बताना कि क्या कर रहे हैं। अभी मैंने सब देख लिया है, अब मैं सीधे नहाने जा रही हूँ। नहाने जाने के आने के बाद फिर मैं पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद आपको मिलती हूँ। आज नाश्ते में क्या बनाएंगे? आज तो चावल नहीं बनेंगे, आज तो एकादशी है ना, चलिए देखते हैं क्या बनते। आज मैं इनके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, चलिए अगर टाइम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके ये देखिए आलू निकाल दिए मैंने, आलू को धो लेती हूँ पहले। चलिए आलू तो मैं रख चुकी हूँ, अब चलती हूँ जल्दी 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 जल्दी, और मैं कपड़े भी ना हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो अंकिता हो गई आपकी मेहंदी? लगा ली आपने मेहंदी? हम झाड़ू लगा रहे हैं। अंकिता झाड़ू लगा रही है, उसके बाद अंकिता फटाफट मेरा मंदिर साफ कर दो। पूजा हो गई है पूरी मेरी, पूजा कर ली है मैंने, और अब बनाने मैंने आलू के पराठे। मैंने कहा आपको भी भगवान जी के दर्शन करा दूं, जय भोलेनाथ। तो मैंने सोचा आपको भी भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। पहुंच गई हूँ, आलू छील रखे, अब मैं करती हूँ तैयारी। आपको सीधे पराठा ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी बनाते हुए नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है।
सो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, ये देखो आलू का पराठा। फाइन, आलू का पराठा खाएंगे आज हम नाश्ते में। मम्मी ने हमारे लिए बना दिया, उनका है फास्ट, देखो बहुत गरम गरम और इतना मोटा एक भी है। ए, बन गया, ये देखो मिल गया हमें आलू का पराठा, हम ये खाएंगे। और इसके साथ आपको आलू का पराठे के साथ क्या अच्छा लगता है बताना। मैं तो 4 लूंगी अगर ले लिया तो, वरना तो ऐसा ही सही लगता है मुझे तो। आपको आलू के पराठे के साथ क्या अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से। सो ब्रेकफास्ट मुझे मिल गया है, नहाया नहीं है मैंने, आपको पता ही है। और कल था घी त्योहार हमारे उत्तराखंड का। कुछ त्योहार तो ऐसे होते हैं कि बहुत पुराने पहले से चले आ रहे हैं, तो कल घी त्योहार था। कल मम्मी ने बनाई थी मांस की रोटी, उसमें लगा के हमने घी खाया था। आप सबने घी खाया नहीं खाया कमेंट बॉक्स में जाके बताना सा। कल दिन रात का तो हमने यही खाया था, मांस की रोटी और उसमें घी लगाया था। मांस की रोटी बनाई थी मैंने और घी लगा के खाई थी, बहुत अच्छी होती। मैंने खाई, सबने के खाई, इन लोगों को ज्यादा मांस उड़द अच्छी नहीं लगती है, अच्छा नहीं है तो मुझे तो अच्छी लगती है। लेकिन मैंने खाई थी एक से ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं खाती, मैंने एक ही मांस की रोटी खाई थी बड़ी सी, बड़ी अच्छी। मम्मी को तो अच्छी लगती। और एक और बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं था कल को एकादशी का व्रत। एक बना दी थी, मैंने सोचा मैं दो खाऊंगी तो नहीं खाई थी, मैंने एक रख ली थी, मैंने कहा कल सुबह खाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा व्रत है कल को एकादशी का। दादी भेजती है नहीं सारी, जब दादी बनाती है ना हमारी। मुझे उड़द बहुत पसंद है, उड़द की रोटी या बड़े। और इनकी दादी मेरे लिए अभी हरेले में भी उन्होंने मुझे मेरे लिए मांस की कचौड़ियां भेजी थी बहुत सारी। पता है मैंने वो 3 दिन तक खाई गर्म कर करके। हमने तो दो, मतलब एक बार खाई दो बार, ज्यादा ना सर भारी हो जाता है उससे। तो मैं पापा या दीदी भैया हम 4 बहुत कम खाते हैं, और दादी को पता है ये सबसे ज्यादा खाती है, तो दादी इतनी सारी बना के भेज देती है। मैंने 3 दिन तक खाई थी वो सैटरडे। ये देखो इनको आलू का पराठा चाहिए, इनको आलू का पराठा चाहिए। लो तुम इसका आलू का पराठा ले जाओ, उसके लिए बनना है। मैं आलू का पराठा ले गई, नहीं तुम्हारे बन रहा है। ये भी ले जाओ, मास्क की रोटी इसको दे रहे हो, बड़ा दया आ रही मुझे। तो दादी की कभी मास्क की कचौरी वो कैसे बनाती है आपको दिखाएंगे कभी मौका मिला तो, ठीक है। आप खाई थी मास्क की रोटियाँ? हाँ आपने खा लेते हैं, पर पहले जमाने में इनके दाना बोलते थे कि मांस की रोटी खाते हैं और घी लगाते हैं। अब क्या करते हैं, मांस की पूरियां बना देते हैं। तो मैं तो मांस की रोटियां ही बनाती हूँ, मैं जब भी बनाती हूँ मांस की रोटियां बनाती हूँ और उसके संग घी लगा के खाते हैं। तो एक एक खाई थी, पापा को भी इनका उड़द को पसंद नहीं है, मांस का ना बड़े पसंद है ना रोटी पसंद है। और मैंने कहा इतनी अच्छी हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने उसमें ही मेथी अजवाइन सब पीस के डाला था और क्या मस्त हरी मिर्च है। चलो कोई आया है और बैठा। सो बाहर कोई आया है और मेरा आलू का पराठा बन के तैयार हो गया है। मैं छेड़ूंगी ना मम्मी, कहेगी तूने मेरा पराठा बिगाड़ दिया। तो देखो मम्मी ने कितना बड़ा और गोल बना। पता है मैं जब आलू का पराठा बनाती हूँ ना, मेरे तो सब में ऐसा 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 निकल जाता है, बट इनका बता रहा नहीं, गोल भी बनता है ऊपर से बिना जले हुए भी इतना अच्छा बनता है, बता नहीं सकते। देखो बाहर कोई आया है, मम्मी उनसे बात कर रही है, मेरा पराठा दे दो जल्दी। चलिए दोस्तों नाश्ता हो चुका है हमारा, नाश्ता कर लिया बच्चों ने और इसके बाद अब बच्चों की क्लासेस होंगी, तो इससे आगे का ब्लॉग हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके बाद हम इवनिंग का ब्लॉग आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। हम अपने ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं, तो बताइएगा आज का ब्लॉग हमको आपको कैसा लगा हमारा, और बताइएगा आपके यहाँ क्या क्या चल रहा है। ओके बाय 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 बाय, क्लास चल रही है नहीं तो इससे आगे का ब्लॉग मैं आपको जरूर दिखाती, और मैंने बनानी है कुछ राखियाँ। तो चलिए ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ओके बाय, अंकिता कुछ कहना चाहेंगी? अंकिता ने नहा लिया है। मैंने नहा लिया, 11 बज गए, मतलब मैंने बहुत लेट नहाया है। तो बाय, कल के ब्लॉग में मिलूंगी। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, क्लास होने की वजह से हम आपको ब्लॉग नहीं दिखा पा रहे, अब क्लास होगी तो, और इवनिंग का ब्लॉग हम कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपके। ओके बाय, कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने आज ब्लॉग बनाया है।
तो जितना भी बनाया जैसा बनाया आप बताइएगा कमेंट करके। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने पहले से कर रखा है वो मत करना प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे, आप हमारी फैमिली से हट जाओगे। और वो जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस करना, क्योंकि उससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलो फिलहाल क्लास है तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, और कल के ब्लॉग में मिलेंगे। इसके बाद वाला ब्लॉग कल के ब्लॉग में आएगा, तो बाय। Have a nice day. Bye-bye.